बड़ी खबर डीडीयू दानापुर रेल खंड से आ रही है, जहां डुमराव स्टेशन के समीप डाउन मेन लाइन पर पार्सल वैन की एक बोगी डिलेर हो गई है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी जो थी पार्सल वैन, उसकी जो बोगी है वो डिलेर हो गई है। हालांकि घटना में किसी प्रकार की कोई नुकसान की खबर सामने निकल कर नहीं आई है। वहीं इसके बाद स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। इस घटना के बाद स्टेशन के अधिकारियों ने वरीय अधिकारी को सूचना कर दिया है। इसके बाद परिचालन को बदलने की कवायद शुरू कर दी गई। हालांकि इस घटना से डाउन मेन लाइन का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। बताया जा रहा है कि पार्सल वैन डाउन की मेन लाइन से लूप लाइन की ओर जा रही थी, इसी दौरान पश्चिम फाटक के पास यह हादसा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अभी रघुनाथपुर रेल हादसे का मामला थमा ही नहीं है कि दूसरी तरफ जो है वो डुमराव रेलवे स्टेशन पर पार्सल वैन की बोगी जो है वो डिलेर हो गई, यह बड़ी खबर बता रहे हैं आपको हम, जो डुमराव स्टेशन से आ रही है कि पार्सल वैन की एक बोगी जो है वो डिलेर हो गई है। हालांकि इंजन की बात कही जा रही है कि क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दानापुर रेलखंड के डुमराव स्टेशन पर पार्सल वैन जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। पिछले दिन पहले रघुनाथपुर में नॉर्थ ईस्ट ट्रेन का हादसा हुआ था, उसके बाद आज रात्रि 10 बजे तकरीबन डीडीयू दानापुर रेलखंड के डुमराव स्टेशन पर पार्सल वैन की ये बोगी जो है वो डिलेर हो गई है। बड़ी खबर, और सबसे पहले हम आपको बता रहे डुमराव स्टेशन से आ रही है। फिलहाल वहाँ पर रेलवे कल्याण समिति के जो सक्रिय सदस्य, उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है वो हम आपको सुना रहे हैं। 130 सोचिए, सोचने वाली बात है कि 130 में आज ये कंडीशन है कि बार बार ट्रेन डिले हो रही है। कहीं ना कहीं ये ट्रैक मेंटेनेंस की कमी को दिखा रहा है। वो अब रेलवे 160 का टारगेट रखा है, 160 का, जब 130 पर आप रेलवे को, यात्रियों को और अपने रेलवे परिसंपत्ति की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए कि 160 या मिनी स्पीड ट्रेन, मिनी बुलेट ट्रेन या बुलेट ट्रेन की परिकल्पना को आप कैसे जमीन पर उतार पाएंगे। सोचने वाली बात है। सिर्फ शब्दों में विकास कर देना और सिर्फ शब्दों में रेलवे में क्रांति ला देना, ऐसे नहीं होता है। हम लोग की मांग है कि इस घटना की, रघुनाथपुर की घटना की, डुमराव की घटना की, इसके पहले डुमराव में मुगुट स्टैंड हुआ था, आज तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया कि उस घटना के पीछे कौन, किसके यहाँ कमी था, किसकी लापरवाही थी, किसकी नेग्लिजेंसी थी और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। जब भी घटनाएं होती है उसकी लीपापोती हो जाती है। सोचने वाली बात है कि रघुनाथपुर में घटना हुई है, 23 का 23 रैक डिलर हो गया है, कभी 4, कभी जिला प्रशासन 6, कभी रेल प्रशासन कुछ और, ये आंकड़ा से काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं आप अपनी गलती को मानिए, एक्सेप्ट करिए और रेलवे के जो यात्री हैं आपकी जिम्मेवारी बनती है उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए।